जी, तो जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ इस सेशन में, वो ऐसा फार्मूला है जिससे आप टेक्स्ट जो है दिया हुआ है, आपके पास सेंटेंसेस हैं या डिटेल्स दी हुई हैं, टैग नंबर्स हैं, आप डेली फॉर्म पे हैं या आप ये शॉप रन कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट साइजेस के आपके पास हैं, शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं या बुटीक है, उसमें डिफरेंट साइजेस हैं, मीडियम है, स्मॉल है, लार्ज है, एक्सेल है, तो वो आप किस तरह से ना अपने डेटा बेस में से निकाल सकते हैं, भी मेरे पास इतनी शर्ट्स जो हैं ये स्मॉल हैं, इतनी जो हैं लार्ज हैं और इतनी जो हैं वो मीडियम है, या टैग नंबर जो है वो लंबा टैग नंबर है, तो उसमें से आप स्पेसिफिक जो ईयर्स के लिए हैं, जिस तरह डेली फॉर्म्स पे पता है आप ईयर के हिसाब से हैं, जिस तरह भी ब्रीड के हिसाब से वो टैग नंबर जो हैं वो हमने बनाए होते हैं, तो स्पेसिफिक जो टैग नंबर दिया हुआ है उसमें से स्पेसिफिक वर्ड्स या स्पेसिफिक जो एनिमल्स हैं जो आपने रिसेंटली परचेज किए हैं वो उन्हें आपने डिफरेंट नंबर्स दिए होंगे, तो वो वाले आप किस तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने डाटा बेस में से। सो फॉर एग्जाम्पल हम इसे डिफरेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास है जी, दिस इज अ बॉल, सही है जी। उसके बाद है जी, ही इज वेरी नॉटी। उसके बाद है जी, शी इज क्राइंग, सही है जी। इस तरह से हमारे पास ये तीन सेंटेंसेस हैं। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं जी, हम सिर्फ जो यहाँ पे बाल है ना वो हमारे पास जो लास्ट वर्ड जो है ना वो हमारे पास आए। सो इसके लिए हम टाइप कर लेते हैं जी, इज इक्वल टू मिड, ठीक है। उसके बाद बच्चा जी टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करें, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, आ गया जी, देन कॉमा। अच्छा जी, पूछ जा रहे हैं जी जो हम स्पेसिफिक वर्ड चाहते हैं उसकी पोजीशन बताएं, स्टार्ट नंबर के नाम से बता रहे हैं जी, इसकी पोजीशन बाल जी जो है वो है जी चार लफ्ज़, दिस चार स्पेसिस जो हैं वो भी इसमें ना शामिल हैं, चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, इसकी पोजीशन जो है जी वो 11 है, सही है जी। अब वो कह रहे जी इसके जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो बाल में है वो बताएं, हमें पता है बाल जो है चार हरूफ पर मुश्तमिल है इसलिए 4, देन जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है जी। उसने बता दिया जी बाल जो है हमने जो सर्च करना चाह रहे थे वो टेक्स्ट में से जो चार हरूफ पर मुश्तमिल है और यहाँ पे पोजीशन जो हमने बताई है वो बाल, ठीक है। इसी तरह से नोटी जो है, फिर उसी तरह से मिड, सेलेक्ट टेक्स्ट कॉमा, अच्छा जी टेक्स्ट पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं जी वेरी, तो वेरी की पोजीशन बताई जाए जी, इसमें स्पेसिस जो है वो भी शामिल होंगे, ही 2 लफ्ज़, 3, 4, 5, 6 और 7, 7th पोजीशन है जी, देन वेरी जितने लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है जी 4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, देन जस्ट प्रेस एंटर, उसने बता दिया जी वेरी। इसी तरह जो है क्राइंग, शीज क्राइंग, तो इसमें से हम जो है सिर्फ और सिर्फ इस जो है वो ढूंढना चाहते हैं, सो उसके लिए उसी तरह से इज इक्वल टू मिड, देन सेलेक्ट टेक्स्ट कॉमा, अच्छा जी इस जो है उसकी पोजीशन बताएं, हमें पता है उसकी पोजीशन जो है 5वीं है जी, देन कॉमा, कितने लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है जी, 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, एंटर। सो उसने बता दिया जी इस जो है वो इस सेंटेंस में, चीज के रेंज में इस जो है वो इतने हरूफ पर मुश्तमिल है और यहाँ पे उसकी ये पोजीशन है। अच्छा ये तो था एक तरह से एग्जांपल, हम इसलिए दूसरी तरह से एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टैग नंबर है जी ए बी सी डी, ये हाई, ये हमने इस तरह से हाइफन डाला जी, उसके बाद 303 और फिर जी इसका हम नंबर दे देते हैं जी W A S, इसी तरह से हमारे पास दूसरा नंबर है जी A B C D, वही सारा है जी इसमें, बस इसमें चेंज जो है वो है जी 303 नहीं है, ये 308 है। इसी तरह से दूसरा है जी, वो भी इसी तरह से A B C D 6
7 8 WAS। ठीक है, इस तरह से ये है जी, ABCD 998-WAS। इसी तरह से ये है जी, ABCD 775-WAS। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टैग नंबर्स हैं, तो इसमें से हम जो है सिर्फ अल्फ़ाबेट्स नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ जो इसमें नंबर्स हैं ना, डिजिट्स, वो निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए इज इक्वल टू मिड देन सेलेक्ट टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट है जी। इसमें से हम जो है स्टार्ट नंबर बताएँ जी, उसका स्टार्ट नंबर जो है जी हमें पता है 4, 5 और छठे नंबर पे से वो स्टार्ट हो रहा है। कितने लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है जी हमारे डिजिट्स? 3। सो क्लोज द ब्रैकेट एंड देन जस्ट प्रेस एंटर। उसने बता दिया ये 303 जो हम ढूंढना चाह रहे थे। इसी तरह से जो दूसरा है उसे भी हम ढूंढ लेते हैं। इस तरह से इज इक्वल टू मिड टेक्स्ट जो है वो बताएं, ये टेक्स्ट है क्या, पोजीशन बताएं, पोजीशन हमें पता है जी 4, 5 और 6 छठे नंबर पे पोजीशन है जी इसकी। देन तीनने हरूफ पर मुश्तमिल है, तीन डिजिट्स पर, 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। देन जस्ट प्रेस एंटर। 308 जो है वो है, इसे हम ज़रा हाईलाइट भी कर लेते हैं जी, चलें हाईलाइट बाद में करते हैं। अच्छा, इसे जो है जैसे ही हम ये दोनों जो है सेलेक्ट कर लेंगे, अच्छा इसे जब ड्रैग डाउन करेंगे, जब ये प्लस हो जाए छोटा प्लस, तो वो इस सब के जो टैग नंबर जो है वो हम ढूंढना चाह रहे थे, जो उसने बता दिए। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेस आउट करना चाहते हैं ये वाले टैग नंबर्स जो रिसेंटली हमने डेयरी फार्म पे परचेज किए हैं, उसके लिए हम प्रोडक्टिविटी, लैक्टेशन, इंसेमिनेशन या जो भी उसकी परफॉर्मेंस है वो हम ढूंढना चाह रहे हैं टैग नंबर्स के। वो टैग नंबर सेपरेट कर लिए तो उनका जो रिकॉर्ड है वो भी सेपरेट हो जाएगा। हमारे पास जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बेस होगा तो हम ढूंढ सकते हैं। अच्छा जी, इसे हमें दूसरी एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ना शर्ट्स जो हैं वो परचेज किए हैं, ये हमारे पास जी शर्ट्स हैं वो हमने जी परचेज किए हैं यहाँ पे जी। अच्छा जी, उसमें से साइज़ जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे साइज़ जो है वो हमने दिया हुआ है जी AFGD, इसे अल्फा बोर्ड लगे AFGD जो है वो स्मॉल साइज की है जी 4, 4, 5। ठीक है जी, इसी तरह से जो दूसरी है वो है जी ए, ये सारा आ गया इसमें, ये जो है ये सिर्फ मीडियम है। ठीक है जी, और तीसरी जो आइटम है AFGD वो लार्ज है जी 4, 4, 5। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल जो है वो हमारे पास एक ही है AFGD 4, 4, 5। ठीक है, हम जो लोग शर्ट्स या इस तरह का बिजनेस करते हैं वो जानते होंगे। इसी तरह से जब हमारे पास बल्क में आती हैं चीज़ें तो इसी तरह से होती हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि सिर्फ उनके साइजेस जो हैं ना वो हमें बता दे जी, ये वाले शर्ट्स जो हैं ये इसी साइजेस में आई हैं। सो इसके लिए बहुत आसान फार्मूला है। उसी तरह से हम इसे जो है इसे भी हाईलाइट जो है वो कर लेते हैं जी यहाँ पे, और बोल्ड भी कर देते हैं इसे। अच्छा, तो देन इज इक्वल टू, अब इसमें थोड़ी सी चेंज आएगी, हम इस फार्मूले में ना चेंज लाते हैं मिड। ठीक है जी, टेक्स्ट बताएं, ये टेक्स्ट है जी हमारा इकलौमा। अच्छा जी, टेक्स्ट जो है वो कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है जी 4, 5 छठे नंबर से स्टार्ट हो रहा है इकलौमा। अच्छा जी, अब हम जानते हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज जो है हमारे पास, जो स्मॉल, मीडियम और लार्ज है ये इन तीनों के जो स्पेलिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं। सो हम बार बार तो नहीं यहाँ पर टाइप कर सकते भाई स्मॉल का अलहदा से ये फार्मूला, मीडियम का और लार्ज का अलहदा से। सो जब हमें ये टेक्स्ट लेंथ जो है वो डिफरेंट हो तो उसके लिए यू हैव टू जस्ट राइट 99। ठीक है जी, प्रेस एंटर एंड देन जस्ट प्रेस एंटर। ठीक है जी, उसने बता दिया जी स्मॉल जो है वो
स्मॉल आइटम विद आर्टिकल नंबर आइटम जो है AFGD 445 जो है वो स्मॉल साइज़ में है। इसी तरह से जब हम इसे ड्रेस डाउन करते हैं तो उसने उसी तरह से बता दिया जी, आइटम 445 जो है वो स्मॉल में भी अवेलेबल है, मीडियम में भी अवेलेबल है, लार्ज में भी अवेलेबल है। सो 99 का फार्मूला जो है वो यूज़ करते हुए 99 नंबर जो है यहाँ पे हम जो हमने ऊपर जो है वो चूज़ किया था यहाँ पे जी, ये जो है इस पॉइंट पे, तो इसे यूज़ करते हुए हम अपना शर्ट साइज़ जो है या पैंट साइज़ या पतीत जो है वो ये एक्सेल या ये फार्मूला यूज़ करते हुए वो भी हम मालूम करते हैं।